कुछ मजेदार रंगों के साथ अपने दिन को रोशन करने के लिए तैयार हैं? तो फिर मल्टीड्यू की नई चुनौती, जो बेहतर ड्राइंग बनाएगा वह पुरस्कार पाएगा, आपके मदद के लिए प्रस्तुत है। अरे एंडी, आशा है कि तुम हमें नहीं भूले होंगे। चलो करो, तुम लगभग वहाँ पहुँच गए हो, तुम जीतने वाले हो। बस बहुत हो गया, मैं सबसे थक गई हूँ, मैं उसे अभी सबक सिखाती हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं बस ये देख रहा था कि तुम्हारा पुरस्कार काम कर रहा है या नहीं। चलो अब ड्राइंग शुरू करो। ओ, वीडियो गेम, बहुत बढ़िया, यह कोशिश के लायक है। आराम से लिली, मेरी ड्राइंग लगभग समाप्त हो गई है। ओ नहीं, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब इसे जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। पर अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मेरे पास एक ग्राफ पेपर है, यह लाइन ड्राइंग करने में मदद करेगी। यह किसी छोटे बच्चे की ड्राइंग की तरह लग रहा है, हालांकि लिली अच्छा कर रही है। मुझे और भी बेहतर करने की जरूरत है। अब समय है रंग लगाने का, नीला रंग सही होगा। यह क्या है? जिसने भी ऐसा किया है उसकी खैर नहीं। इसके बजाय शायद तुम्हें हमारा काम देखना चाहिए। मैंने कोशिश की, मैंने भी। एंडी, तुम्हें मानना पड़ेगा कि मेरा सबसे अच्छा है। हाँ, मेरी का नीला पेंट जगह पर है। अब मैं समझ गया, यह तुम्हारी करतूत है। अब मेरा बदला लेने का समय है। तुम क्या कर रहे हो? रुको। हाँ, पेंट से नहाना मजेदार नहीं है, है ना? मेरी बधाई हो, तुम जीत गई। बिल्कुल सही, अब यह वीडियो गेम मेरा हुआ, हम साथ में खेल सकते हैं। वाह, यह बहुत रोमांचक है। एंडी, हम इसे भूलेंगे नहीं। नया दौर, नया पुरस्कार। What? तुम क्या कर रहे हो? एक चाल देखना चाहती हो? यह रहा सोने की ईंट। ऐसा नहीं हो सकता, यह तो किसी किस्मत वाले को ही मिलेगा। ओह, भारी है। ठीक है, चलो अब शुरू करो, हमें जल्दी करने की जरूरत है। Here we go! अगर मैं सोना जीत लेती हूँ तो क्या होगा? मैं तो सोचकर ही खुश हो रही हूँ। मैं पूरे दिन सोने में तैरती रहूंगी और मैं जो चाहूँ खरीद सकती हूँ। अच्छा होगा कि तुम अपना ब्रश उठाओ और काम करो, केवल सपने मत देखते रहो। हालांकि जितनी कम प्रतिस्पर्धा होगी उतना अच्छा होगा। बस थोड़े से ब्रश स्ट्रोक बचे हैं और मेरी आउटलाइन तैयार हो जाएगी। लिली अच्छा कर रही है, मुझे बस उस पर एक सिलचट्टा डालना होगा। मुझे कॉकरोच से डर लगता है। अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ और इसको सुनिश्चित करने के लिए मैं इस पीले रंग को हटा देती हूँ। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। धन्यवाद केट। मेरा पेंट कहाँ गया? ठीक है, फिर मैं नारंगी रंग लूंगी। क्या यह सोना है? असली सोने जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मेरी ड्राइंग बिल्कुल असली सोने की तरह लग रहा है। वाह!
समय समाप्त हो गया। मुझे दिखाओ कि तुम लोगों ने क्या किया है। मेरे पास कुछ भी करने का समय नहीं था। यह एकदम बेकार है मेरी, एकदम खराब। और मेरा कैसा है? सोने जैसा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, पर केट की ड्राइंग एक मास्टरपीस है। यस! अरे वाह, मैं जीत गई। और यह सोना तुम्हारा हुआ। वे कहाँ है? चोट लगी। बेचारी लड़की जीत का भार संभाल नहीं पाई। सोना अभी भी मेरा है। मैं अभी तक सोच नहीं पाया हूँ कि तुम लोगों को क्या देना है। फिर ओह, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? बहुत सुंदर। इधर बैठो प्यारी बिल्ली, मैं उसे अपनी गोद में उठाना चाहती हूँ। जो जीतेगा उसे वह मिल जाएगा, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। इस दौर में आराम की गुंजाइश नहीं है, मुझे और नारंगी रंग की जरूरत होगी। ओह, असल में इसका आकार सही आ रहा है। अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं? मैं जानती हूँ, मैं अपने चेहरे का उपयोग अतिरिक्त कैनवस के लिए करूंगी। What? पर तुम बिल्ली की तरह बिल्कुल नहीं दिखती हो। ऐसा तुम सोचती हो? मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और इसके अलावा मुझे पता है कि कैसे सही तरीके से बिल्ली की ड्राइंग बनानी है। कलाई को इस तरह से रखा और अब चेहरा तैयार है। बस अब इसके शरीर को बनाना है। अब कुछ छोटी छोटी चीजें। केट, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, पर मुझे तुमसे कुछ अच्छा करना होगा। और मुझे पता है कि यह कैसे करना है। यह एक सुंदर मछली है, बस किसी को बताना मत। अब समय समाप्त हो गया है, चलो देखते हैं कि लड़कियों ने कैसा किया है। या जो मैंने किया है। बिल्कुल ओरिजिनल। लेली, तुम्हारी तो बिल्ली जैसी नहीं दिख रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह क्या है। और मेरे ड्राइंग के बारे में क्या कहते हो? वाह वाह वाह, मुझे लगता है हमें विजेता मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। मैंने अपना मन बदल लिया है, लिली जीत गई। यह सही नहीं है, उसने मछली बनाया है। मुझे पता था कि यह चालाक चाल मुझे पक्का जीत दिलाएगी। तुम उसे पकड़ सकती हो केट? अरे मैं तो लगभग भूल ही गई थी, यह तुम्हारे लिए छोटी सी ट्रीट है। मुझे लगता है वो इसे पसंद आएगा। हम अगले दौर के लिए क्या बना सकते हैं? समझ गया, चलो एक सफेद टेबल का उपयोग करता हूँ। एक पॉपिट, जरा इसे देखो, यह कितना अच्छा है। और तुम्हारे पास बहुत सारे बबल होंगे पॉप करने के लिए। ओह हाँ, मैं समय के बारे में लगभग भूल ही गया। चलो लड़कियाँ शुरू हो जाओ, जब तक तुम लोग ड्राइंग करती हो तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। मैं फिर से कुछ ओरिजिनल करने की कोशिश करती हूँ। आकार एकदम सही है। और अब इसमें रंग लगाती हूँ।
रहा है। मैं इसे और भी बेहतर बना सकती हूँ। मैं अपने हाथों से पेंटिंग करने की कोशिश करती हूँ। वाह, यह बहुत अच्छा है। एक असली पॉपिट को पॉप करने जैसा। माफ करना पर यह बहुत बुरा लग रहा है। कैसा, सिर्फ मुझे लग रहा है या सच में मेरा दिल पॉपिट की तरह नहीं लग रहा है? मुझे इसे कुछ करना होगा। मुझे पता है इसमें मेरी क्या मदद करेगी। यह एक पॉपिट है, बस इसे किसी तरह से बड़ा करना होगा। ओ, मैं समझ गई। बस इसे पलट कर छाप देती हूँ। एकदम सही। और अब इसमें रंग भर देती हूँ। OMG, मैं कितनी स्मार्ट हूँ। क्या समय समाप्त भी हो गया? रुको, मेरा मतलब है, चलो, यह एकदम सही है। यह क्या किया है? मेरी ड्राइंग कैसी है? बुरा नहीं है, पर मेरा सबसे अच्छा है, है ना? वाह, मैं फिर से जीत गई। नहीं, मैरी जीत गई है। मैरी? कैसे? क्यों? तो फिर लिली या मैरी? मैं बहुत उलझन में हूँ। मैं समझ गया, मैं बिना देखे इस पॉपिट को उछाल देता हूँ। यह मेरा है। ऐसा तुम सोच रही हो, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान रही हूँ। इसे देखना सच में रोमांचक है। वाह, इस तरह से अंत की उम्मीद नहीं थी। तो अब ब्रश साफ हो गए हैं, रंग को रख दिया गया है, पर सौभाग्य से हम लोगों के लिए यहाँ ब्लूपर्स बाकी हैं। उन्हें देखें और मुस्कुराएं। फिर मिलेंगे दोस्तों।